हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हुंडई वेन्यू में कई मेजर चेंजेस हुए हैं। कुछ वेरिएंट्स को कंपनी ने बंद कर दिया है, कुछ नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और फीचर्स में भी चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हुंडई वेन्यू का SX वेरियंट। ये सेकेंड टॉप वेरियंट है और सबसे ज्यादा डिमांड में भी रहता है। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी के जो भी मेजर चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और इसके सारे फीचर्स चेक कराऊंगा। ये गाड़ी जो है आती है IMT वेरिएंट पेट्रोल पे टर्बो इंजन के साथ और इसमें जो है मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है। डीजल में इसमें आपको मिल जाएगा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको दिखाऊंगा इसका IMT ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी फटाफट प्राइसिंग बता देता हूं। तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,99,990 रुपीज IMT वेरिएंट का, जो कि ऑन रोड दोस्तों पड़ती है 11,25,910 रुपीज की यूपी में। और इसमें सिर्फ कंपलसरी चार्ज ऐड है। ये अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे, इवन अगर आप इसको डीजल में परचेज करेंगे तो प्राइसिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। सारी प्राइसिंग सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, आप कर लीजिए चेक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई यूज्ड कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज है कहां से एक अच्छी रिलायबल कार परचेज की जाए, तो आपका सर्च हुआ खत्म। कार्स 24 आपके लिए लेकर आया है लंबी रेंज यूज्ड कार्स की। इनके पोर्टल पे 1000 से ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल हैं। बस सिंपली नीचे दिए गए लिंक से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से आप देख सकते हैं काफी सारी गाड़ियां आपको इनमें मिलेंगी। जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है उसको सेलेक्ट करिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गाड़ियां 140 प्लस पैरामीटर से पास होती हैं, यानी जैसी गाड़ी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगी वैसी ही गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में इमेजेस भी हैं, उससे भी आप इनकी गाड़ियों को चेक कर सकते हैं और अपनी मनपसंद गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए अपनी पसंद की गाड़ी और वो गाड़ी आपके घर आ जाएगी, यानी आपको कार्स 24 के स्टोर पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आपको इनकी गाड़ी पसंद नहीं आती है तो कार्स 24 में 7 days नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी भी है, यानी आप 7 दिन के अंदर इनकी गाड़ी को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कार्स 24 पे जाके अपनी मनपसंद गाड़ी को परचेज कर लीजिए। सो दोस्तों, ये खड़ी है आपके सामने 2021 हुंडई वेन्यू SX IMT वेरिएंट, जिसमें हुआ है मेजर चेंज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चेंज हाईलाइट करूंगा, फिर क्विक वॉक अराउंड करके फीचर्स बताऊंगा। तो मैं आ जाता हूं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, क्योंकि आप भी एक्साइटेड होंगे सबसे पहले जानने को कि आखिर इसमें चेंज किया हुआ है। और ये देखिए, ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल जिसमें कंपनी ने चेंज किया है इसके व्हील्स को। यहाँ पे देखिए, इस गाड़ी के व्हील्स में मेजर चेंज हुआ है। अभी तक इसमें 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते थे, जो कि सेम टॉप मोस्ट वेरिएंट में भी आ रहे हैं। लेकिन अभी यानी रीसेंट चेंजेस में हुंडई ने इसके व्हील्स को चेंज करके, यानी एलॉय व्हील्स को हटा के अब स्टाइल्ड व्हील्स दे दिए हैं, जो कि ये आपके सामने हैं। स्टाइल्ड व्हील्स दोस्तों क्या होते हैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो हैं ऊपर की तरफ ये फाइबर कैप्स लगी हैं। देखिए, ये फाइबर की कैप्स हैं, लेकिन ये स्टाइल व्हील्स का नाम इसलिए दिया है जिसके अंदर का पीछे का रिम है, इसको इस तरीके से कट किया जाता है कि आपको दिखाई दे एलॉय का लुक। देखिए, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ सब कुछ दिख रहा है, यानी स्टील का पोर्शन नहीं दिख रहा है। इसमें इस तरीके की स्टील कटिंग की गई है कि आपको पूरा आर से पार दिखाई दे और एलॉय का लुक दे, लेकिन ये एक्चुअल में फाइबर कैप्स होती हैं। इसकी वजह से इसमें काफ़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है। हुंडई की कई और गाड़ियाँ जैसे कि क्रेटा एस या फिर i20 स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके के स्टाइल्ड व्हील्स यूज़ किए जाते हैं, डिज़ाइन अलग रहती हैं। और कई और कंपनीज भी आजकल स्टाइल्ड व्हील्स का यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये एलॉय का लुक देते हैं लेकिन इनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम रहती है एलॉय व्हील से। तो यहाँ पे देखिए, ये मेजर चेंज हुआ है इस गाड़ी में इसके व्हील्स में। चलिए अब क्विक वॉक अराउंड करते हैं और आपको फटाफट फीचर्स बता देते हैं। अगर आप इस गाड़ी के सारे फीचर्स जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। अगर आप चेंज देखने के लिए आए थे तो यही दोस्तों इस गाड़ी में मेजर चेंज हुआ है इसके व्हील्स में। और इस चेंज होने के बाद आपकी क्या राय आ रही है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हुंडई वेन्यू 2021 SX IMT वेरिएंट। ये देखिए, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही क्विकली। आपको एक वॉक अराउंड करके सारे फीचर्स का आइडिया दे दूंगा। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक दोस्तों आपके सामने, जिसमें ग्रिल जो है डार्क क्रोम की मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है इस गाड़ी पे। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं। यहाँ पे देखिए, DRL लाइट्स है जो कि हेडलैम्प्स के सराउंड्स पे दी हुई है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, येलो रंग की लाइट है। इस साइड पे जो है ये
कॉर्नरिंग लैंप दिया है, जिस साइड पर गाड़ी टर्न करेंगे उस साइड का लैंप ये ऑन हो जाएगा और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए, इधर स्किड प्लेट्स भी दे रखी है जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी को एक SUV बोल्ड स्पोर्टी लुक दे रही है। चलिए पढ़ते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। साइड में व्हील्स का चेंजेस मैंने आपको दिखाई दिया, हाँ व्हील्स का डायमेंशंस भी आपको जरूर बता दूं, यानी सेक्शंस बता दूं, तो ये देखिए ये लिखा है 215/60R16 इंच, यानी साइज सेम है लेकिन एलॉयस को हटा के स्टाइल व्हील्स दिए हुए हैं। मिरर्स जो हैं बॉडी कलर्स में हैं, उसी में साइड के टर्न इंडिकेटर्स इंसर्ट किए हुए मिलेंगे। हैंडल्स बॉडी कलर्स में हैं। टॉप पे देखिए तो ब्रिज टाइप रूफ रेल्स इसमें मिल जाएगी। फ्यूल इंटीरियर दोस्तों इस तरफ दिया हुआ है। बढ़ते इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे और रियर प्रोफाइल ये देखिए आपके सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी को पीछे से वेन्यू की बैजिंग है, SX की बैजिंग है। इस साइड पे देखिए टर्बो, इसमें जो इंजन यूज़ है पेट्रोल वो टर्बो में है, IMT सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन पे ही आती है। तो उसकी भी देखिए यहाँ पे मार्किंग है पीछे के बम्पर्स में। ये देखिए दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्लेस हैं और यहाँ पे देखिए एक कैमरे के लेंस को भी प्लेस किया हुआ है। और पीछे भी देखिए स्किड प्लेट्स यहाँ पे लगी हैं जो कि आगे की तरह ही गाड़ी को बैक से भी बोल्ड लुक देंगी। रिवर्स गियर लाइट रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और टेल लैंप्स देखिए इस समय ऑन है, आप चेक कर सकते हैं। क्रिस्टल इफेक्ट के साथ ये LED टेल लैंप्स मिलेंगे। इस वेरिएंट में दोस्तों वाइपर नहीं आता लेकिन डिफॉगर्स मिल जाते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और शार्फिन एंटीना दिया हुआ है। तो आपने दोस्तों इस गाड़ी को कंप्लीट एक्सटीरियर से चेक कर लिया, जो मेजर चेंज था वो भी देख लिया। अब जरा मैं आपको उसका बूट चेक करवा देता हूँ, फिर केबिन चेक करते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। बूट लैंप भी देखिए इस साइड पे प्लेस्ड है। और व्हील्स चेक करवा देता हूँ, यानी इसका स्पेयर व्हील चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो स्पेयर व्हील है ये स्टील कट पे नहीं है, देखिए फुल स्टील रिम आपको इसमें मिलेगा। और साइज़ जो है देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 195/65R15 इंच, यानी इमरजेंसी व्हील है। एक इंच छोटा इसमें स्पेयर व्हील दिया हुआ है। अगर इसको आप यूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी को मैक्सिमम 80 तक रखिए, उसके ऊपर ना ले जाइए। लगेज स्पेस दोस्तों बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी ये पार्सल ट्रे डिटैचेबल है, इसको आप हटा सकते हैं, ये निकल आएगी। सीट बेंच फोल्डिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रैप्स हैं इनको पुलअप कर दीजिए, ये अनलॉक हो जाएगी और आगे की तरफ ऐसे गिर जाएगी। और ये देखिए एक काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे लगेज स्पेस बन गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके केबिन की तरफ और फटाफट बाकी फ़ीचर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 2021 Hyundai Venue SX IMT वेरिएंट का इंटीरियर लुक आपके सामने है। ये देख सकते हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको इस गाड़ी पर मिलेगा, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे और इग्निशन के लिए इसमें की सिस्टम है, ये रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है, फोल्डिंग की है, देखिए इस तरीके की। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन मिल जाएगा। सेकंड की जो है वो इसमें मैनुअल दी हुई है। तो रिमोट लॉक की चेक कर ली, आगे के फीचर्स को बाद में एक्सप्लोर करते हैं। पहले जरा आपको फटाफट इसके पीछे की सेटिंग चेक करवा दूँ। तो ये देखिए बैक डोर आपके सामने है, चारों पावर विंडोज़ हैं, तो स्विच यहाँ पे प्लेस है। इनसाइड डोर हैंडल्स देखिए ये दिया हुआ है मैटी क्रोम फिनिश में। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, सिस्टम के स्पीकर्स लगे हुए हैं। बैक सीटिंग दोस्तों ये देखिए आपके सामने है, इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखिए मिल जाएंगे। सेंटर पे आर्मरेस्ट जो है वो इसके सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट SX-O में मिलेगा। एक बार जरा बैक सीटिंग में बैठ के भी आपको चेक करवा दूँ। तो यहाँ पर मेरी हाइट है 5'8" और देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर कितना आपको लेगरूम मिलेगा। अगर आप मेरी हाइट के हिसाब से हैं तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे अच्छा लेगरूम मिल जाएगा। एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पे गाड़ी बिलोंग करती है, 4 मीटर से कम इस गाड़ी की लेंथ है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ठीक लेगरूम मिलता है। बाकी देखिए यहाँ पे रियर AC वेंट दे रखा है, नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का दोस्तों पावर आउट भी दिया हुआ है। लाइट ऑन करके दिखा दूँ, ये देखिए ये पावर आउट है। और चीज़ें देखते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ पे देख लीजिए ये फोल्डिंग टाइप असिस्ट क्लिप्स हैं सेंटर पे, रूम लाइट मिल जाएगी। इस साइड पे देखिए कोट होल्डर भी दिया हुआ है। चलिए बैक सीटिंग देख ली आपने, अब बढ़ते हैं इसके फ्रंट साइड पे और आगे के डोर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों पावर विंडोज प्लेस्ड हैं, जिसमें ड्राइविंग साइड का विंडो 1 टच डाउन मिल जाएगा और ये 1 टच अप है विद एंटी पिंच।
इस साइड पे सेंट्रल डोर लॉक बटन है, आउटसाइड मिरर्स को इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं, ग्लासेस को सेट कर सकते हैं, चाइल्ड विंडो लॉक बटन दिया हुआ है, नीचे की तरफ वाटर होल्डर, म्यूजियम के स्पीकर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे ट्विटर्स भी दो फ्रंट के डोर्स पे मिल जाएंगे। फ्रंट सीटिंग दोस्तों ये आपके सामने है, फ्रंट की जो सीट्स हैं ये भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट पे बनी है। इसके बाद देखते हैं ज़रा इसकी, इस साइड पे दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी जो ड्राइविंग सीट है ये मैनुअल, देखिए हाइट एडजस्टेबल दी हुई है और सीटें जो हैं वो फैब्रिक मटेरियल पे देखिए बनी है। चलिए दोस्तों बैठते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर और फटाफट और फीचर्स को देखते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है जो कि लेदर रैप्ड है, डेफिनेटली प्रीमियम फील देगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल को एडजस्ट करने के बटन्स हैं, ये जो बटन्स दे रखे हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी पे मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दोस्तों इस साइड पे दिए हैं, स्टीयरिंग इसमें टिल्ट आता है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसके स्टीयरिंग को सेट कर पाएंगे। सेफ्टी के लिए यहाँ पे ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, एक एयरबैग स्टीयरिंग पे देखिए यहाँ पे लगा है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने वहाँ पे प्लेस्ड है, साथ में इसमें ABS EBD और भी जो सेफ्टी फीचर्स है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप कर लीजिए चेक। हेडलैम्प्स देखिए ऑटो है तो इस वजह से यहाँ पे ऑटो मार्किंग है, अगर आपने इसको ऑटो मोड पे रखा है तो डार्कनेस को सेंस करके ये हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये फॉग लैंप भी दिया है इस साइड पे, वाइपर को ऑपरेट करने का लीवर है, इंटरमीडियंट वाइपर भी आता है, वाइपर रुक रुक के चलेगा और रुकने की टाइमिंग को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोस्तों इसमें सुपरविजन क्लस्टर आपको मिलेगा, हालांकि ये पहले भी सुपरविजन क्लस्टर ही IMT वेरिएंट में आता था, लेकिन अगर इसको आप SX मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे या फिर इनफैक्ट डीजल पर लेंगे तो उसका क्लस्टर अलग है। सुपरविजन क्लस्टर दोस्तों उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, ये सिंगल पूरा कंपार्टमेंट है, स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन को स्विच कर सकते हैं, माइलेज, ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन पर मिलेगी, डिजिटल स्पीड भी है, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हैं, सर्विस इंटरवल सेट कर सकते हैं, डोर लाइट्स की सेटिंग इसमें आप कर पाएंगे, तो इसी वजह से इसका नाम भी सुपरविजन क्लस्टर दिया हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखा रहा था माइलेज, ये माइलेज कह रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस टू MT, गियर पोजीशन बता रहा है यहाँ पे क्योंकि IMT वेरिएंट है, आउटसाइड टेम्परेचर है और टोटल कार कितनी चली है वो दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो इसमें आपको 8 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ दिया है, और अब इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले मिलेगा, तो यानी आप वायरलेसली इसमें अपने फ़ोन को कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, मैंने i20 में डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर पाएंगे, केबल का कोई झंझट खत्म, केबल में कई बार प्रॉब्लम होती थी कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, तो अच्छा फीचर है। बाकी दोस्तों इसमें वीडियो प्लेबैक नहीं है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें वीडियो प्लेबैक होगा कि नहीं, तो दोस्तों इसमें वीडियो प्लेबैक नहीं आता, वीडियो प्लेबैक आपको अगर चाहिए तो फिर टॉप मोस्ट पे जाइए SXO पे, उसमें आपको वीडियो प्ले कर पाएंगे, बट इसमें नहीं आता है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए पेन ड्राइव लगाने का इधर पोर्ट है, सेंटर पे एक 12 वोल्ट का पावर आउट दिया है और ये दे रखा है इसमें USB चार्जिंग पॉइंट। AC इसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, टेम्परेचर सेट करिए मेनटेन रखेगा ये। इस साइड पे दोस्तों दिखा देता हूँ, कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट दिया है, सॉफ्ट देखिए है, और उसको जब ओपन करेंगे तो अंदर तरफ बॉक्स मिल जाएगा। मैनुअल डे नाइट इनसाइड, रियर व्यू मिरर है, ट्विन मैप लाइट्स मिल जाएंगी और सनरूफ इसमें दी हुई है, देख लीजिए इलेक्ट्रिक स्मार्ट सनरूफ है, वन टच है, पूरी एक बार में ओपन हो गई और क्लोज होते समय एंटी पिंच भी है, ये देखिए तो चोट नहीं लगेगी अगर कोई खड़ा हुआ है और एक्सीडेंटली या फिर धोखे से आप सनरूफ बंद करते हैं तो ये रोल बैक कर जाएगी। इस साइड पे देखिए ओपन स्पेस है, इधर ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कूल ग्लोब बॉक्स भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने इस गाड़ी के सारे फीचर्स चेक कर लिए, चलिए इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। IMT वेरियंट है तो ये पहली बात तो बताऊँ ये 2 पैडल कार है, देखिए दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए एक्सलेटर है, ब्रेक है, क्लच नहीं है, ये क्लचलेस है, इसमें ऑटोमेटिक क्लच है, आपको क्लच को प्रेस करने का कोई काम ही नहीं है, तो काफ़ी इजी है अगर आप इसको सिटी ड्राइव या ट्रैफिक पे ड्राइव करते हैं तो बार बार क्लच को प्रेस करने वाला इसमें कोई भी झंझट नहीं है। लेकिन इसकी जो गियरिंग है वो कंप्लीट मैनुअल है, यानी बस आप गियर लगाते रहिए और जो है क्लच ऑटोमेटिकली, इसमें एक एक्चुएटर है वो अपने हिसाब से इसको ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा, तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बस आपको गियर लगाना है मैनुअली,
एक्सलेटर को कंट्रोल करना है, ब्रेक को कंट्रोल करना है, बहुत ही ईजी इस गाड़ी को ड्राइव करना। इसके बाद जब रिवर्स गियर लगाएंगे तो देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो गया, बीप जो आ रही है वो सेंसर्स की है। मैं ज़रा एक मिनट के लिए न्यूट्रल करके गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर रिवर्स गियर लगा के देखिए ये पीछे का कैमरा व्यू है, गाइडलाइंस दे रखी हैं और ये देखिए गाइडलाइंस ये मूव कर रही हैं। तो इसमें आप जब गाड़ी को बैक करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट आइडिया आपको मिलेगा। और इवन यहाँ पे देखिए इसमें ब्राइटनेस वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, डे लाइट नाइट और कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप सेट कर पाएंगे। तो दिन का अगर विजिबिलिटी कम आ रही है तो आप अपने यहाँ पे सेट कर लीजिए, तो अच्छी चीज़ है। बाकी देखिए रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रहा है, रेड मार्किंग आएगी जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया Hyundai Venue SX IMT वेरिएंट को, सारे फीचर्स समझ लिए और मेजर चेंज जो उसके व्हील पे हुआ है वो भी आपने इसमें चेक कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंजन को चेक करने, बोनट यहाँ से ओपन होगा। सो दोस्तों ये है आपके सामने इस गाड़ी का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, यहाँ पे देखिए टर्बो GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, इसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है। एक छोटा इंजन है लेकिन काफ़ी बढ़िया ये पावर जनरेट कर रहता है। ये इंजन है 1 लीटर यानी 999 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर बनाता है 120 PS का, 6000 RPM पे टॉर्क है, 17.5 KGM का 1500 से लेकर 4000 RPM तक। ये 6 स्पीड IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है, माइलेज क्लेम है 17.8 किलोमीटर पर लीटर में। सो दोस्तों आपने देखी 2021 Hyundai Venue SX IMT वेरिएंट, मेजर चेंज में एलॉय व्हील्स हटा के स्टाइल्ड व्हील्स कर दिए हैं। बाकी सारे मैंने क्विकली वॉक अराउंड करके आपको इस गाड़ी के फीचर्स दिखा दिए। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये गाड़ी पसंद आई बता दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने और भी वेरिएंट, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं Hyundai Venue में, कई सारे वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डिलीट किए हैं, जैसे जैसे होते जाएंगे यानी जैसे जैसे अवेलेबल होते जाएंगे मैं आपके सामने लाता रहूँगा। उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल कार दुनिया में, मैं जल्दी मिलूँगा अपने नए रिव्यू के साथ। थैंक यू।